नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते अम्बाला में जीरो कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। कल ही कोरोना फ्री हुए अम्बाला में आज सुबह एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गया है। अम्बाला शहर के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाला 22 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया है और कोरोना संक्रमित मरीज के इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 22 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि करते हुए अम्बाला के सीएमओ ने बताया कि अम्बाला में फिलहाल एक ही एक्टिव केस है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि आज संक्रमित पाए गए मरीज की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी और फिलहाल अल्केमिस्ट अस्पताल से युवक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब सरकारी अस्पताल से भी युवक के सैंपल चेक करवाए जाएंगे। वहीं आज पॉजिटिव पाए गए युवक सहित अम्बाला में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 42 पहुँच गई है। देखिए, एक बच्चा है 22 साल का, मालटाउन का रहने वाला है। इसकी यह है कि जो पिछले 5-6 दिन से बीमार था, इसको बुखार और थोड़ी बहुत खांसी जुकाम थी। ये पहले अम्बाला सिटी में दिखाने के लिए आया था। अम्बाला सिटी में इसकी जो पहला सैंपल लिया गया था वो नेगेटिव आया था, लेकिन इसको आराम नहीं हुआ। ये संडे को ये दोबारा से एल्केमिस्ट में चला गया। एल्केमिस्ट में इसकी कल रात को सैंपल लिए थे, जो प्राइवेट लैब में भेजे थे उन्होंने, और उनकी रिपोर्ट आज हमारे को सुबह प्राप्त हुई है। तो उसमें ये है कि हाँ, कि ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव डिक्लेयर किया है जो प्राइवेट लैब ने। फिर भी हमने कंफर्मेशन के लिए जो पंचकुला अथॉरिटी को मैंने ये किया है कि इसका सैंपल गवर्नमेंट लैब से टेस्ट करवाया जाए। तब तक हम पूरी जो कंटेनमेंट जोन की है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, पूरे एरिया को जो कॉर्डन ऑफ करने की वो है कार्रवाई हमने स्टार्ट कर दी है, और हम लगभग 250 घरों को इसमें कंटेनमेंट जोन में लेंगे जो उसके आसपास के घर हैं। सर, कुछ पता लगा कि इसके संपर्क में नहीं, जो फैमिली की हिस्ट्री है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल घर में रहता था, जो यूजली पेरेंट्स बोलते हैं। और पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि ये कहीं पर बाहर गया ही ना, किसी से मिला, लेकिन फिर भी कभी कौन इस टाइम पे कहाँ से सैंपल, कहाँ से इन्फेक्शन कैच कर ले, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है एज पर WHO गाइडलाइन हम कर रहे हैं। सर, अभी अम्बाला में टोटल कितने केसेस हो चुके हैं और एक्टिव कितने हैं?